हेलो दोस्तों नमस्ते। आज के वीडियो में देखने वाले हैं, अगर आप भी जीमेल का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको कैसे देख सकते हैं, यानी रिकवरी पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका पासवर्ड क्या है। तो आज के वीडियो में ए टू जेड देखने वाले हैं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नॉलेजफुल वीडियो प्रदान की जाती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरह प्रकार की कोई भी आपको समस्या है तो वहाँ पे जरूर मिलता है। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, जो भी आपका मोबाइल सेटिंग होगा उसको ओपन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सर्च बार पे भी आप सेटिंग करके यहाँ पे सर्च बार का आइकन दिखाई देता है दोस्तों। इस बार भी आप सर्च करके गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। आपको इंटरनेट खोल लेना है, उसके बाद गूगल पे आइकन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको इस प्रकार को इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि रिकमेंडेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑल सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन जो भी होता है यहाँ पे डिटेल्स खुल गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया है, ऑटो फिल विथ गूगल, फ़ोन नंबर शेयरिंग, SMS वेरिफिकेशन कोड्स है। तो आपको क्या क्लिक करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो विथ गूगल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी जीमेल होगा उस जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है, यानी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपका जीमेल दिखाई देगा और यहाँ पे गूगल पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी गूगल होगा यहाँ पे देख सकते हैं गूगल है दोस्तों, यहाँ पे गूगल वाला आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी पासवर्ड होगा उसको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो भी जीमेल है इस जीमेल का अकाउंट यानी कि पासवर्ड यहाँ से देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, आपसे देख सकते हैं, दाब के आप क्लिक कर लीजिएगा तो दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से आपको जीमेल भी दिखाई दे रहा है और पासवर्ड भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ से अपना पूरा कॉपी कर सकते हैं।